हेलो गाइस वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स एफ सी टेक्निकल 2021 का पार्ट वन लेके आई हूँ इससे बाद में हार्मफुल माइक्रोब्स उसके बाद में एम सी क्यूज इसी फॉर्म में इस कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे बेनिफिशियल माइक्रोब्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी में रोल्स and their roles in food industry agriculture medicine and probiotics industry and also in environmental ecology डिकम्पोजिशन uh, की uh, जैसे डिकम्पोजिशन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इसी के हिसाब से हम लोग अगर कैटेगराइज uh, किया करें कि रोल ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स तो इनमें से हम लोगों को मिल जाएगा टोटल रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी फूड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर मेडिसिन प्रोबायोटिक्स एंड एन्वायरमेंट इसी की सब हेडिंग्स से हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक फील्ड में इसका रोल जैसे कि रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में थर्मस एक्स्टिकस के नाम हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं जो एक हीट स्टेबल टैक पॉलीमरेज है और जो यूज़ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में नेक्स्ट जो है एस्ट्रेस या कोलाई इको आरवान एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज है जो कट कट एट रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स और जो रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम लोग एक डिटेल में पढ़े थे अगर आप उस वाला वीडियो नहीं देखे हो बायोटेक्नोलॉजी के फॉर एफ सी के उस वीडियो भी देख सकते हो सैकड़ोमाई सेविशी इसका भी एक यूकैरियोटिक से होता है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ वेक्टर इन क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एस्टोरेशिया कोलाई एशरेशिया कोलाई में जो हो जाएगा इसका तो और एक इम्पॉर्टेंस होती है क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में और जो होते हैं फ्लोरोसेंट फाज फ्लोरोसेंट फाज एक रिसर्च एंड वाइटोलॉजी के रिसेंट वेरी रिसेंट न्यूज़ है फ्लोरोसेंट फाज जो कि ग्रोइंग वायरस है चलिए अब देखते हैं फूड इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या इम्पोर्टेंस है जैसे कि लैक्टोवैसिलास और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया का कार्ड चीज़ योगर्ट किमची इस तरीके के प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसी के साथ इथेनॉल वाइन प्रोडक्शन बेकिंग इंडस्ट्री जैसे कि बेकिंग इंडस्ट्री में हो जाएगा ब्रेड एंड केक्स बियर एंड सीडर प्रिपरेशन में इस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइमरी uh, सोर्स उसके बाद जो विनीगर प्रिपरेशन में एसिटिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ होते हैं इंडस्ट्री लेवल पे स्ट्रेप्टोकॉक का थार्मोफिलास इस जो बैक्टीरिया है ये कार्ड एंड योगर्ट प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंस होती है इसका मोबिलिस ये बैक्टीरिया भी अल्कोहल मेकिंग uh, में अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए uh, यूज़ होती है इंडस्ट्री लेवल पर नेक्स्ट जो आ, है फूड एंड इन फूड इंडस्ट्री में ही आ, जैसे कि एस्पर्जिलस नाइजर ये भी आप बहुत बार नाम पढ़ चुके मगर मगर एस्पर्टिलस नाइजर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है टू गेट द साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड जो एक एंटी होती है Uh, 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 drink, candies, ink, uh, और एंटी इस तौर से सॉफ्ट ड्रिंक कैंडीज इंक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज होती साइट्रिक एसिड और इसी साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए हम लोग नाइजर इसको चाहिए ग्लूटानिक एसिड जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट इस फूड सप्लीमेंट को प्रोडक्शन के लिए ब्रेवी बैक्टीरियम का बहुत यूज़ होती है वाइडली लाइसिन प्रोडक्शन के लिए ई कोलाई एंड एंटरोबैक्टर एरोजीन्स वाइडली यूज़ होती है एंड ऑल्सो ई कोलाई डैप जैसे कि डाई अमिनो पीमे पीमेरिक एसिड जो कि ब्रेड एंड सीरियल्स में वाइडली यूज होती है ये भी राइसन प्रोडक्शन में एक स्टेप में होता है डाई अमीनोपी पीमेडिक एसिड तो इकोलाई e. इंट्रोबैक्टर और एरोजिन्स ये सब बैक्टीरिया की बहुत इंपॉर्टेंस होती है फूड इंडस्ट्री में फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री में नेक्स्ट हम लोग जो आ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि राइबोफ्लेबिन विटामिन बी टू इसको आ, कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए हम लोग एस बी गॉसिप इस इस बैक्टीरिया का हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जो है साइना विटामिन बी ट्वेल्व जो कि ब्रेड एंड मतलब फोर्टिफिकेशन के लिए ब्रेड फ्लास सीरियल प्रोडक्ट्स में एनिमल फीड्स में होते हैं क्योंकि विटामिन बी टवेल्व बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होती है तो इसके लिए प्रोपेनियो बैक्टीरियम यूज़ होती है एमाइलेज जो बेकिंग में एडिसिव के काम करते हैं ये एंजाइम और इस एंजाइम के प्रोडक्शन होते हैं एज पर है फ्रूट जूसेस फ्रूट जूस मार्केटिंग में पेक्टिनेज uh, एंजाइम की बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो जो पेक्टिनेज एंजाइम ये मिलती है क्लोस्ट्रोडियम स्पीशीज से तो प्रोटीज प्रोटीजर्स यूज होते हैं टेंडराइजर्स टेंडेस एज मीट टेंडराइजर्स टेंडर करने के लिए मीट को और ये जो प्रोटीज uh, इसका प्रोडक्शन होती है कमर्शियली बैसिलस बेसिलस इसी तरह इन्वर्टेज भी एक एक टाइप का एंजाइम है जो वाइडली सॉफ्ट सेंटर चॉकलेट मेकिंग में यूज़ होती है और ये इज इन्वर्टेड प्रोडक्शन होती है कमर्शियली फ्रॉम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सीडिफिसी और कुछ जान लेते हैं ये फूड इंडस्ट्री के बारे में जैसे कि देख सकते हो आप पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी जो एक मिथाइल तो, मिथाइलियोटोन्स एक फ्लेवरिंग एजेंट होती है जो चीज़ एसोसिएटेड फ्लेवर्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स में ये जो चीज़ एसोसिएटेड फ्लेवर दे दी है इसी फ्लेवरिंग एजेंट से और ये फ्लेवरिंग एजेंट मिलती है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी पर्टिकुलरली बैक्टीरिया से और जो सोया सॉस इसके इसके मेकिंग में सैकड़ोमाईस रॉक्सी ये होती है आपको ध्यान से ये पढ़ना पड़ेगा पर जेनास एपीसीज क्योंकि कभी कभी मैच मैच द फॉलोइंग या कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म में ही जेनास्पिसिस को चेंज करके क्वेश्चन पूछती है स्विस चीज प्रिपरेशन के लिए प्रोपेनो बैक्टीरियम सर्व मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सिंगल सेल प्रोटीन होती है आ, सिंगल सेल प्रोटीन ऐसे के एग्जांपल हो गया प्रोटीन और ये प्रोटीन इसको मिलता है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन इसकी प्रोडक्शन होती है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस से चॉकलेट प्रिपरेशन के लिए लैक्टो लैक्टोबैसिडी एंड आल्सो तो एसिडोबैक्टर बहुत वाइडली यूज होती है फॉर चॉकलेट प्रिपरेशन नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उसमें से बहुत जो क्रुशियल या कमर्शियली बहुत आगे आगे भी गए हैं इल्ड बहुत ज़्यादा देते हैं ये सब को करके मैं एक बनाई हूँ तो जहाँ पे वैसा थ्री इसका नाम सबसे पहले आएगा क्योंकि इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाने के लिए बीटी टॉक्सिन जेनेटिकली मॉडिफाइड में भी यूज़ किया है जो कि लेपिडॉप्टरन आ, जैसे मॉथ एंड बटरफ्लाई लार्वा कोलिप्टरन जैसे बीटल्स एंड डिप्टरन जैसे ट्रू ट्रूफ्लाइस के अगेंस्ट ये बीटी जो बीटी टॉक्सिन एंडोटॉक्सन रिलीज करते हैं इनसाइड द इंसेक्ट गट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप डेवलपमेंट के लिए बैटरी बेसिलेसनेस बहुत वाइडली यूज़ होती है नेक्स्ट जो है बैक्यूलो वायरस बैक्यूलो वायरस भी कैटापिलक जैसे कि लेपिडॉप्टरन टाइप इंसेक्ट किलिंग के लिए यूज होती है एजिटोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो नाइट्रोजिशन नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल या मेंटेनेंस के लिए ऑलवेज बैक्टीरिया फंजा ये सबके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है पुटीडा यहाँ पर एक फॉस्पोसलबिंग बैक्टीरिया है और इसी के साथ सीडोमोनसपुटीडा जो बाद में हम लोग देखेंगे इसका और एक इम्पोर्टेंट रोल सीडोमोनस फ्लोरोसेंस एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया भी है नेक्स्ट जो है बैसिलस बैसिलस बेसिलसटीलिस क्या ये जो सीरियल रूट रॉट जो कि राइजक्टोना सोलानी से इन्फेक्शन के थ्रू ये कॉज होते हैं सीरियल रूट रॉट्स और इसी डिजीज़ को और ये कॉज़ल ऑर्गेनिजम को इन्फेक्शन रिड्यूस इंफेक्ट करते हैं तो ये करते हैं बैसिलस बेसिलसटीलिस नेक्स्ट जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज बहुत तरीके के इनसे एंटोमोलॉजी में हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा स्पीशीज यूज होते हैं अगेंस्ट सेवरल इंसेक्ट्स तो उनमें से जो बैक्टीरियाज में जो रिड्यूस डैमेज लाइक रूट रॉट्स विल्स डैम्पिंग ऑफ डंपिंग ऑफ इस तरीके के डिजीज को मिनिमाइज़ करने के लिए भी ड्राईकोडरमा बायो कंट्रोल एजेंट या हम लोग यूज़ करते हैं वर्टिसिलियम वर्टिसलियम एक एक्चुअली नीमाटोट ट्रैपिंग फंजाई है इसको बोला जाता है नीमाटोफेगस एक न्यू टाउन में निमाटोफेगस फनजाई जो जो निमाटोट को ट्रैप नीमाटोट किलिंग में यूज़ होती है जो वर्टीसीयम रैजोबिया रोबिया एक्चुअली नोड्योलेशन डिवलपमेंट करते हैं तो इन लेग्यूम

Uh, उसके साथ जो मुख्य भूमिका प्ले करते हैं uh, माइक्रो जो कि होता है एक फॉसफोरा फॉस्फेट सेल्युबलाइजर्स होते हैं और अगर फॉस्पेट सेल्युबुलजर बैक्टीरिया ये हो जाएगा सोलबल स्पुटीडा और फुजी फुजिकोरी तो बहुत ही इसको हम लोग भूल ही नहीं सकते जो जिब्रोलिन को रिलीज करते हैं जिब्रला फ्रॉम जि, फ्रॉम जिब्रला फुजी फुजिकोरी और कुछ जो इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल माइक्रोब्स है जैसे सीडोमोनास प्रोटीजेंस जो कि एक, एक हार्विसाइड की तौर से यूज़ होती है अगेंस्ट वीड्स आ, स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है मगर एज ए हर्बिसाइड यूज़ होती है बीवेड वैसियाना बाई कंट्रोल एजेंट होती है अगेंस्ट एफिड माइट्स मिली मिलीबाग एंड वाइट फ्लाइज इसका आपको एग्जाम्पल्स याद रखना पड़ेगा किस किस का अगेंस्ट बीवेड वैसियाना यूज़ होते हैं फाइटोरे इन्फेस्टेंस Uh, तो ये एक मिल्क वाइट जो मिल्क वीट होती है उसके हर्बिसाइड को uh, उसके, उस वीड को किल करने के लिए हर्बिसाइड एज ए यूज होते हैं फाइट इन्फेस्टेंस ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कि एक कंट्रोल एजेंट होते हैं अगेंस्ट द डाच इल डिजिज एंड सिल्वर लीफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस परियोसिलम और लिलिसियम ये जो है ये रूट एसोसिएटेड डिमाटोज को के लिए यूज होती है। उसे बाद देख लेते हैं न्यूक्लियर पॉलीहेड्रस हेड्रोसिस वायरस जो एक वायरस है जो एक बायो कंट्रोल एजेंट भी यूज हो रहा है ऐसे भी अगर क्वेश्चन आए कि ने वायरस विच हेज़ विच इज़ वाइडली यूज एज बाई कंट्रोल एजेंट तो ये इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस ये होती है अगेंस्ट अल्फ़ा अल्फा लूपर फिर कैबेज वर्म कैबेज लूपर कॉटन बॉल वर्म कॉटन लीफ वर्म जिप्सी मोथ इस सब के लिए न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस बहुत इंपॉर्टेंट होती है नोसेमा लोकास्टी ये जो बाई कंट्रोल एजेंट है ये अगेंस्ट यूजफुल है लोकास्ट एंड ऑल्सो ग्रास ऑफर्स ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनो बैक्टीरिया भी बोला जाता है एक एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सर है जो एक बायो फर्टिलाइजर्स के तौर से यूज होती है यूज किया जाता है इसी के साथ जो एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रेडियम रोडोस्पाइरम रूब्रम बैसिलस पॉलीमिक्स ये सब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरिया है फिक्सिंग बैक्टीरियाज है इससे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी के में टेस्ट ले रही थी उसमें भी मैं नाइड्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग एसोसिएटेड ये सब को मैं डिस्कस की थी लेबोरेट की थी अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखो तो एक बार देखते देख लीजिए इसी चैनल पे प्ले में प्रेजेंट है अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेडिसिन मतलब रोल ऑफ माइक्रोब्स इन मेडिसिन तो uh, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो जो मेडिसिनल मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बैक्टीरियाज या फंजाई में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं इसको इसके ज़्यादा आम लोगों को नहीं ज़रूरत भी होगा जैसे कि पेनिसिलिन नोटेटम नाइनटीन ट्वेंटी एट अलेक्गजेंडर ने पेनिसलिन फ़र्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट किए थे आइसोलेट किए थे और उसके हम लोग के एंटी माइक्रोबियल्स इंपॉर्टेंस हम लोग तब पता चलता है अभी तो वाइडली बहुत अभी भी यूज़ होता है अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन आ, जो कि एंटी होती है निस्टैटिन ये एक्चुअली एक एंटी फांगल होती है अगेंस्ट फंगस इट इज़ इफेक्टिव बैक्टीरियाफाज बैक्टीरियाफाज़ जो ये वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को हाईजैक करके उसके मशीनरी को लेके खुद का मल्टी मल्टीप्लीकेशन यूज़ होती है तो बैक्टीरियाफाज के भी लिए अलग से फज थेरेपी में भी अभी यूज़ हो रहा है ये इस तरीके के बैक्टेरियाफर्ज और इससे पहले हम लोग और भी देखे थे कि बैक्टेफर्ज क्लोनिंग एंड क्लोनिंग डीएनए टेक्नोलॉजी में किस तरीके की एज अ वेक्टर में हम लोग देख रहे थे एक्सप्रेशन वेक्टर कभी या ऐसे ही वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर के हिसाब से वैक्टिनोफाइस की यूज़ होती है एडिनोवायरसेस एंड रेट्रोवायरसेस जो कि थेलाप्यूटिक न्यूक्लिक एसिड्स की एप्लीकेशन में अप्लाइड मेडिसिन में एडिनोवायरस एंड रेट्रोवायरस यूज़ होती है वाइडली यहाँ पर एक लिस्ट है जैसे कि बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सोर्स होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिसिन जो बेसिलसटिलिस से मिलती है जो कि एक एक्चुअली बैक्टीरिया है और उसी की तरह जो पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटाम से मिलती है तो बैक्टीरिया से भी फाइनडे से भी जो जो एंटीबायोटिक्स हम लोगों को मिल रहा है इसका बहुत एज ए कभी एंटीबैक्टीरियल कभी एंटीफंगल ये यूज़ होती है उसी के साथ प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स इंडस्ट्री अभी फ्लारिशिंग है और प्रोबायोटिक्स में जो लैक्टोबैसे रिटटेडी ये बहुत वाइडली यूज़ होती है इन द प्रोबायोटिक्स इंडस्ट्री तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्टोबैसेलिय रिटटडी इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स का इम्पोर्टेंस एनसियन हिस्ट्री से ही हम लोग को पता है कि थ्रू द रिकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स मेंटेनिंग द नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल ऑल्सोजन जन एवरीथिंग एन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी uh, के लिए माइक्रोब्स के इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है में से जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जैसे साइनोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्र, को प्रोड्यूस करते हैं इन द ओशियंस इसीलिए साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बैसिडोमोनास एंड बैसिलस जो एक ड्रेन ओपनर्स की तौर से भी यूज होती है एजिटोबैक्टर क्रुककम क्रुकोकम जो एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के लिए यूज होती है एजिटोबैक्टर जो जेनोबायोटिक्स इन आया टर्म है आ, तो न, अब उसी के साथ हो गया मिक्सोकोकस जेंथस और मिक्सोकॉकस जेंथस आर्किटेक्चर प्रिजर्विंग बैक्टीरिया नाम से जाना जाता है और पुटीडा तो इसके तो बहुत सारे नाम ऑलरेडी हम लोग पढ़े कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम लोग देखेंगे कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया की तौर से जो मतलब बायो रेमेडिएशन अब टोलोविन एंड नैपथेलिन के लिए भी सीडोमोनास पुटीडा इंपॉर्टेंट है एज अ बायो फिल्टर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्रोमोबैक्टेरियम वायोलेसीम बायो फिल्टर्स जो ग्राउंड वाटर को फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है जो सॉयल सरफेस के ऊपर रहता है उसके जो फिल्ट्रेट करते हैं जो पानी आता है उसको फिल्ट्रेशन के लिए क्रोमोबैक्टेरियम वायोलेसीयम यूज़ होती है तो बायो रेमेडिएशन में आ, इस तरीके की माइक्रोब्स के इंपॉर्टेंस एसेंशियल रोल्स का भी मतलब नेवर एंडिंग है लिस्ट जैसे कि काइनो कोनियोकोक्कस काई, रेडियो टॉलरेंस नाम से ही पता चल रहा है रेडियो टॉलरेंस मतलब न्यूक्लियर वेस्ट डिग्रेडिंग बैक्टीरिया है एक बायोफ्यूल्स में रिसेंटली एल्गी साइनो बैक्टीरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रही है जो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम से उसके हिसाब से ये खुद बायोफ्यूल्स जनरेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके लिए रिसर्च चल रहा है सल्फोलोबस सल्फेक् सल्फा जो आर्किया है और ये भी बायोफ्यूल्स प्रिपरेशन में जनरेशन में अभी रिसेंट फिलहाल रिसर्च में है ये एक आर्किया बैक्टीरिया ग्रुप से ग्रुप से बिलोंग करती है इंसीटो बायो रेमेडिएशन के लिए डेक्लोडोमोनास एरोमेटिका इसका इम्पॉर्टेंट है इंसीटो बायो रेमेडिएशन के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का अगर नाम हो जाए तो डेइनोकोकस रेडियोडोडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रेडिएशन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और इसके यूजेस के लिए ऑयल क्लीनिंग इन ओशियन तो एल्केनियो वोरक्स बोर्कुमेंसिस जो एक ऑयल क्लीनिंग इन ओशियन के वाइडली यूज हो रही है व्हाइट रॉट फंजाई जो कि फेनेडो फेनेडोकेट क्राइसोस्पोरियम तो ये जो क्राइसोस्पोरियम फेनेडोकेट है ये जो है ये जो फंजाई व्हाइट रॉट फंजाई एक डिजीज कॉज कर रहा है इसका इसके नाम से ये माइक्रो मतलब जो फंग फंजाई से जो जैसे बायो हो रहा था इसके माइक फंजाई से जो रेमिडिएशन हो रहा है जो हैवी मेटल से कोई भी ऑयल इनमैमेंटली जो सब हैजर्ड्स है उसका रेमिडिएशन के लिए ये जो फंजाई यूज होती है ये इसको स्टडी को बोला जाता है माइक्रो माइकोरेमेडिएशन नया टर्म है और इसके लिए ये व्हाइट रॉट फंजाई वाइडली यूज होती है आई होप आज की लेक्चर सीरीज आपके लिए यूजफुल रही होगी क्योंकि ये कंपाइलेशन मुझे नहीं लगता और भी अभी भी कहीं आपको मिल जाएगी एक ही साथ इतना कुछ जो जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं तो बेनिफिशल माइक्रोक्स का लिस्ट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है मगर जो एग्ज़ाम में रिपीट होती है ये आते हैं उसी से मैं ये बनाई हूँ जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बेस में ही होगा और जो यहाँ पर आपको आपको भी पता होगा फिर भी मैं एक बार बोल रही हूँ कि एग्रीकल्चर एंड जीके जो एफ सी एजीएम टेक्निकल के लिए कोर्स लॉन्च किए थे ट्रिपल नाइन नाइन रुपीज़ में और जो कंप्लीट नोट्स इसमें आपको मिल जाएगा उसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन की जैसे कि मान लीजिए मैनेजमेंट एथिक्स और भी जो जो है एग्रीकल्चर टेक्निकल सिलेबस वाइज आपको मिल जाएगी सभी पी uh, फॉर्मेट में बुक्स वीडियो लेक्चर्स जो पी में आपको मिल जाएगी तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है अभी भी आपका खुद का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो मटेरियल और जो भी मटेरियल आपको मिल जाएगी दी जाएगी सब कुछ प्रीवियस ये क्वेश्चन बेस्ड ही होगा जैसे कि जैसे एफ के जो क्वेश्चन पैटर्न है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है और जो व्हाट्सअप नंबर है नाइन फोर सेवन थ्री एट टू सिक्स सेवन सिक्स फाइव इस पर आप ट्रांजैक्शन रिसिप्ट को सेंड करके या आपका खुद का अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो पिछले साल अश्विनी कुमार जी की जो टेस्टमोनियल रिपोर्ट भी इस चैनल पे अवेलेबल है आप एक बार देख सकते हो उन्होंने भी इसी चैनल से जुड़े थे और एफ सी टेक्निकल पोस्ट में अभी तो उन्होंने वो पोस्टेड भी है अगर उनसे भी आप एक बार उनसे भी एक बार वीडियोज़ आप देख सकते हो और आप भी इसी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर एनजी जी के ना सिर्फ एफ सी के साथ आई एफो, बी पी एस एफ ओ नाबार्ड ए डी ओ आर आर बी ए टी ए आई सी आर एफ सब हर एक entrance एग्जाम जे आर एफ एस आर एफ और आल्सो अभी ए एस आर बी के लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर फिशरीज एंड ऑन अदर सब्जेक्ट ग्रुप अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो एग्रीकल्चर जी के चैनल से आप लोग यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहिए टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ इसे जो व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपको क्लैरिफिकेस चाहिए आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में